जरा ये देख लीजिए कि कश्मीर को लेकर आप जानते हैं कि ये बहुत पुरानी कोशिश है। कश्मीर में एक सतत कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति भी दिखाई दी और वहां क्योंकि आप जानते हैं कि वहां जो अलगाववादी या उग्रवादी थे उनको समर्थन सीमा पार से हासिल था, उस कोशिश पर विराम लगाने की और वहां डेमोक्रेसी को बहाल करने की, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिशें भी समानांतर चलती रहीं। कब कब क्या क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे, लेकिन कश्मीर पर मीटिंग में कौन कौन है, कौन से बड़े चेहरे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जरा वो देख लीजिए। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस पूर्व मुख्यमंत्री, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस पूर्व मुख्यमंत्री, गुलाम नबी आजाद भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये बड़े चेहरे, ये तीन बड़े चेहरे और चौथा बड़ा चेहरा जाहिर है महबूबा मुफ्ती का होने वाला है। अगले आगे दिखाइए, महबूबा मुफ्ती एक और मुख्यमंत्री, और इधर आप देख रहे हैं गुलाम अहमद मीर कांग्रेस की तरफ से, ताराचंद साहब कांग्रेस की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसके अलावा अल्ताफ बुखारी जेके जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, ये उनकी पार्टी का नाम है, निर्मल सिंह बीजेपी के जो कि डेप्यूटी सीएम भी रह चुके हैं, और उसके अलावा कविंद्र गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस चर्चा में वहां पर शामिल है। रविंद्र रैना भारतीय जनता पार्टी के जम्मू की मुखर आवाज, वो भी इस चर्चा में शामिल हैं। मुजफ्फर हुसैन बेग पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, वो इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। सज्जाद लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, वो भी इस बैठक में शामिल हैं। और इस बैठक में और जो दूसरे प्रमुख चेहरे हैं वो भी देख लीजिए, भीम सिंह पैंथर्स पार्टी के, यूसुफ तारिगामी सीपीआईएम के, ये भी इस बैठक में शामिल हैं। कश्मीर पर कब कब क्या हुआ, बहुत पीछे ना जाएं तो कम से कम आजादी के बाद के मुख्य इतिहास पर अगर आप निगाह डालें तो क्या ऐसा रहा जिसको निर्णायक माना जा सकता है। 1975 में इंदिरा शेख समझौता, जिसमें इंदिरा गांधी की तरफ से उनके नुमाइंदगी की थी जी पार्थसारथी साहब ने, और अफजल बेग ने नुमाइंदगी की थी शेख अब्दुल्ला की। उस समय क्या हुआ था, 1971 बांग्लादेश को जाहिर है पूर्वी पाकिस्तान हटाकर वो बांग्लादेश बनाया जा चुका था, उसमें इंदिरा गांधी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, और इस वजह से शेख अब्दुल्ला ये समझ गए थे कि अब उनकी भूमिका सीमित हो गई है और केंद्र के साथ नेगोशिएट भी वो लिमिटेड ही कर सकते हैं, लिहाजा उन्होंने इस समझौते पर अपनी मुहर लगाई थी और उसका इनाम भी उनको मिला था। 17 साल बाद आखिरकार शेख अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बने। आगे दिखाइए, केसी पंत कमेटी, रक्षा मंत्री थे भारत के जब अटल बिहारी वाजपेयी, 2001 की बात है जब नुमाइंदगी कर रहे थे एनडीए की सरकार की, तब कश्मीर में सुरक्षा बलों की के संदर्भ में, कश्मीर में आप जानते हैं उस समय चरम पंथ चरम पर पहुंचा हुआ था, ऐसे में क्या किया जाना चाहिए, इसके लिए केसी पंत जी की अगुवाई में एक समिति बनाई गई और उसने जाकर यह कहा कि वहां पर आपको सेनाओं का जो डिप्लॉयमेंट है वो कम से कम करना पड़ेगा और वहां के लोगों को स्वायत्तता ज्यादा से ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, ये स्वायत्तता कैसे दी जाए, कैसे वहां के लोगों को ज्यादा अधिकार दिए जाए, इसलिए फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कानून मंत्री जेटली जी जो उस समय कानून मंत्री थे और जेठमलानी जो कि वरिष्ठ कानूनविद थे, ये एक हालांकि इसकी घोषणा कभी नहीं हुई इस समिति की, लेकिन ये एक समिति बनाई गई, उसको अधिकार दिए गए और ये कहा गया कि आप जाइए और ये विकल्प ढूंढिए कि वहां पर कैसे लोगों को ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और उसके बाद तत्कालीन गृह मंत्री एल के आडवाणी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नरम धड़े से बातचीत की, उस समय के राज्यपाल एन एन वोहरा ने इसमें मध्यस्थता की, लेकिन इसकी इसका कोई नतीजा नहीं निकला। एक्चुअली ये कोशिश की जा रही थी 2002 से चुनावों के पहले खास तौर से कि अलगाववादियों को मुख्यधारा में लाया जाए और डेमोक्रेसी में जो 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 उसकी कार्यप्रणाली है उसमें शिरकत करने के लिए उसको भी रजामंद किया जाए, लेकिन इसमें बहुत सीमित सफलता हाथ लगी। फिर यूपीए की सरकार आई, 2005 में कोशिशें फिर से शुरू हुई, मनमोहन सिंह सरकार ने, खासतौर से मनमोहन सिंह साहब ने मीरवाइज उमर फारूक से भी बात की, सज्जाद लोन से भी बात की, यहाँ तक कि गिलानी से भी बात की, और जो कोशिश थी वो ये थी कि जो अलगाववादी हैं और जो मुख्यधारा की पार्टियां हैं, मुख्यधारा की पार्टियों के साथ तीन गोलमेज बैठकें भी उन्होंने की, लेकिन फिर भी इसका कोई बहुत ज़्यादा नतीजा नहीं निकला। और उसके बाद पटगांवकर अंसारी और कुमार समिति, राधा कुमार समिति बनाई गई, इन्होंने फिर से कोशिशें शुरू की, लेकिन उस समय आप जानते हैं 2010 की बात है जबकि पत्थरबाजी वगैरह शुरू हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने वहां पर जाकर यही कहा कि वहां पर स्वायत्तता और लोगों को ज़्यादा अधिकार देने की ज़रूरत है। और फिर क्या हुआ, 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आई, नरेंद्र मोदी सरकार में 2017 में पहले के जो आईबी चीफ थे दिनेश्वर शर्मा, उनको कैबिनेट सेक्रेटरी का दर्जा दिया गया और कहा गया कि आप जम्मू कश्मीर जाइए, जम्मू कश्मीर में जाकर जो अलग अलग राजनीतिक नुमाइंदे हैं उनसे बात कीजिए और जो अलग अलग संगठनों के नुमाइंदे हैं उन व्यक्तियों से भी बात कीजिए और हमको रिपोर्ट दीजिए। लेकिन यह काम चल ही रहा था जब 5 अगस्त 2019 इतिहास की वो तारीख जब 370 और 35 से हटा दिए गए, स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ, तो जाहिर है वो जो काम कर रहे थे दिनेश्वर जी उसमें विराम लगा, लेकिन ये जो नींव पड़ी
5 अगस्त 2019 की, उसमें दिनेश्वर जी की और इन तमाम समितियों की जो रिपोर्ट्स थी उनकी महती भूमिका है। उन्होंने एक तरीके से फाउंडेशन स्टोन ले करने का काम किया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।